कोतवाली धारचूला पुलिस ने एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक महोदय पिथौरागढ़ के आदेशानुसार वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है। उसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली धारचूला कुमार सिंह रावत के नेतृत्व में महिला उप निरीक्षक मेघा शर्मा व अन्य कर्मचारी गणों द्वारा न्यायालय की से धारा 420, 468, 471 भारतीय दंड विधान व 60 आबकारी अधिनियम के अंतर्गत गैर जमानती वारंटी के अनुपालन में वारंटी अभियुक्त राजेश वर्मा पुत्र भीमराम वर्मा निवासी धारचूला को गिरफ्तार किया। धारचूला में हिलवेज कंपनी के द्वारा चल रहे सड़क निर्माण कार्य में लगी मशीनों के द्वारा घटकोला नाले में मलबा डाला जाना अत्यंत चिंताजनक है। भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह मुदियाल ने कड़ी आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से मलबा डालकर घटकोला नाले को बर्बाद करने की पूरी पुरजोश कोशिश हिलवेज कंपनी कर रही है। उन्होंने बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा बरसात में जब ये मलबा बहकर नीचे आएगा तो शायद पूरे घटदार को बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी आपदा देखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हिलवेज कंपनी के द्वारा जहाँ भी डंपिंग जोन बनाए गए हैं उन डंपिंग जोनों में मलबा डाला जाए, अन्यथा इसका भारी विरोध होगा। उन्होंने तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने हिलवेज से तत्काल काम रोकने की बात कही है। वहीं तहसीलदार ने उप जिलाधिकारी के न होने का प्रश्न करते हुए कहा कि हम फिर भी तत्काल कार्रवाई कर रहे हैं। घटखोले नाले में जो SCC कंपनी के द्वारा रोड निर्माण का काम किया जा रहा है उसमें दोनों तरफ से नाले के दोनों तरफ से ये रोड का मलबा जो है नीचे नाले में फेंका जा रहा है। ये बरसात में एक विकराल रूप धारण करता है ये नाला और ये नाला पूरी तरह बंद हो चुका है। मेरा प्रशासन से मेरी दरख्वास्त है कि इस नाले में अगर ये डंपिंग का मलबा डाल रहे हैं तो उससे पहले इसको डंपिंग यार्ड के रूप में विकसित किया जाए या वायर गेट डाले जाए, क्योंकि नाला बिल्कुल बंद हो गया है। बरसात में अगर पानी बहेगा इस पे से तो ये विकराल रूप धारण कर सकता है और पूरे हमारे घटदार क्षेत्र को इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो मैं आज चेतावनी देना चाह रहा हूँ कंपनी वालों को भी और प्रशासन को भी कि यथाशीघ्र यहाँ पर जो है वायर गेट निर्माण डाला जाए ताकि ये जो है नाले को संरक्षित किया जा सके। धारचूला में हत्ताजड़ी कीड़ाजड़ी के साथ बोलेरो कैंपर वाहन गिरफ्तार। बोलेरो कैंपर वाहन में स्थानीय धारचूला के निवासी को पुलिस के द्वारा चेकिंग के दौरान हत्ताजड़ी 10 कुंटल के आसपास जिसकी कीमत बाजार भाव 10 लाख रुपये बताया गया है उसमें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आज सुबह चेकिंग के दौरान एक वाहन में एक व्यक्ति के सामान में हमें 15 किलोग्राम की जो है इलीगल एक हर्ब प्राप्त हुई है जिसको हथकड़ी बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। इसकी मार्केट वैल्यू काफ़ी है और इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और इसकी रिकवरी की गई है। इसमें FIR पंजीकृत की जा रही है और साथ ही साथ जो फॉरेस्ट की टीम है उसको भी इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है। इसी के साथ इस व्यक्ति के विरुद्ध FIR पंजीकृत करते हुए हम लोग ये भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये कहाँ से लेकर आ रहा था और ये कहाँ किस मार्केट को सप्लाई करने जा रहा था। जिला पिथौरागढ़ में विजय दिवस धूमधाम से मनाया गया। प्रातः 9 बजे घंटाघर से शहीद स्मारक तक NCC कैडेटों द्वारा मार्च पास किया गया। साथ ही शहीद स्मारक उल्कादी मंदिर परिसर में विधायक बिशन सिंह चौपाल, जिलाधिकारी रीना जोशी, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर शिव कुमार बर्नवाल, जिला सैनिक कल्याणाधिकारी कर्नल चंद्र बहादुर पुना, वीर नारियों व पूर्व सैनिकों ने शहीदों को पुष्प चक्र व पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलिस की टुकड़ी द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। कार्यक्रम में अतिथियों द्वारा वीर नारी जयंती देवी, सरस्वती देवी, उजाला देवी, शांति देवी व 1971 के वार हीरो सूबेदार गिरधर सिंह खनका, सूबेदार बंशीधर पंत, सूबेदार बहादुर सिंह को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को DDI बिशन सिंह चौपाल ने शहीदों को नमन कर उनको श्रद्धांजलि दी और संबोधित किया। इसी क्रम में जिलाधिकारी रीना जोशी ने वीर शहीदों को नमन करते हुए देश की रक्षा के लिए हमारे वीर सैनिकों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उन्होंने कहा सैनिकों की सरहदों पर चौकसी से ही हम देश के भीतर शांति व सुरक्षा के साथ रह रहे हैं। उन्होंने विजय दिवस की जानकारी भी दी और सरकार व प्रशासन सैनिक व सैन्य परिवार के साथ है ये भी कहा।
कांग्रेस के जिला सम्मेलन में पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही क्षेत्र के विधायक भी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ के मयूख मेहर और यशपाल आर्या, हरीश दामी यानी दिग्गजों का जमावड़ा पिथौरागढ़ में देखने को मिला। कांग्रेस की रैली बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब DCL न्यूज़।